श्री वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। बस कंडक्टर की लग्जरी लाइफ देख के पुलिस वालों को हो गया शक और जब उसको बरामद किया तब उनको पता चला कि एक्चुअली में ये क्या करता था। चलिए जानते हैं जब उनके घर में रेड मारी गई तब उनको क्या क्या सब चीजें मिली। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। आज हमारे सामने बस कंडक्टर का एक ऐसा मामला आया है जिसको सुन के आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। ये एक्चुअली बस कंडक्टर सिटी पुलिस के हाथ लग गया है और यहाँ पर बाबा राजपूत और सुभाष और उसका एक और साथी है जिन्होंने एक ऐसा अंजाम दिया है कि लोग उनके बारे में कंप्लेन कर रहे थे और ये कंप्लेंट्स काफी टाइम से होती जा रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप बस में सफर करते हैं और आपके पास आपके काफी सारे सामान होते हैं और आप बस में सफर करते हुए आपका सामान अगर चोरी हो जाए तो आपको काफी ज्यादा सदमा भी लगता है कि ये सब चीजें कैसी हो गई हैं और आप काफी बार अपने आभूषण, आप अपने गोल्ड की चीजें, आप अपनी चांदी की चीजें, अपना अपना गहने और पैसा, आप सब चीजें अपने साथ कैरी करती हैं। तो यहाँ पर भी ये सब चीजें ऐसे ही कर रही थी। बाबा राजपूत एक कंडक्टर है और उसकी लग्जरी लाइफ देख के पुलिस वालों को काफी टाइम से उनके ऊपर शक हो रहा था और ये जॉब खत्म होने के बाद शराब खाने में जाते थे और बहुत ही ज्यादा पैसा उड़ाते थे और जब ये पैसा उड़ाते थे तब इनके ऊपर काफी ज्यादा शक गहरा होता जा रहा था। और इसके साथ साथ इन्होंने जब पैसा ऐसा सब चीजें होने शुरू हो गई तब इन्होंने जो आभूषण थे उसको बेचने का भी सोचा और जब इन्होंने बेचना शुरू कर दिया तब पुलिस को इनके ऊपर गहरा शक हो गया और पता चल गया कि ये ही चोरी कर रहे हैं। और उस दौरान इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके घर पे रेड मारी गई और रेड मारने के बाद 5 लाख रुपया नकद वहां पर बरामद किया और कुछ सोने के आभूषण और उसी के साथ चांदी के आभूषण वहां पर बरामद किए। और उसके बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी तो इनको अलग अलग लेके जाके जाने के बाद इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में ये लोग टूट गए और टूटने के बाद इन्होंने सब चीजें बता दी कि ये लोग एक्चुअली में जो यात्री आते थे उनके ऊपर नजर रखते थे और नजर रखने के बाद इनको पता चलता था कि उनके पास कितना पैसा है, कितना ज्वेलरी है, सब चीजें हैं। और उसी के साथ ये लोग वहां पर अपना हाथ साफ कर लेते थे और ये पूरा सामान लेके जाके अपने घर में रखते थे और धीरे धीरे जो कि कैश होते थे उसमें ये अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे और जिससे पुलिस वालों को शक हो गया। अभी ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी है और इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये अभी बस और ये कंडक्टर ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस अगर आप अभी बस वगैरह में जाते हैं तो आपको भी ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। आप अपने पर्स में रखिए जो भी सामान है और ज्यादा से ज्यादा आप सामान लेके ना जाइए क्योंकि कहां पर कौन सा चोर बैठा होता है ये चीज आपको पता नहीं होती है। आई होप गाइस आप लोग को हमारी तरफ से जानकारी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। आगे की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।